ये है जेएमडी न्यूज एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान। आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व, और इस राष्ट्रीय पर्व के एक दिन पहले से हर इंसान तैयारी करने लगता है कि कल का पर्व हमें कैसे मनाना है। और इस बार का राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की परेड, एक तरफ जय जवान होंगे, एक तरफ जय किसान होंगे। किसानों का आंदोलन 2 माह से ज्यादा लगभग हो गया है, लगभग 8 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। किसान खुली छत में, खुले आसमान पे आज भी आंदोलन करने को मजबूर है। लेकिन इस आंदोलन से निकला क्या, या कल की परेड से निकलेगा क्या, हम इसी पे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुख्य प्रवक्ता मथुरादास जोशी जी हमारे साथ है। मथुरादास जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए, और आंदोलन किस तरफ जा रहा है ये बात रखने के लिए एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो हमेशा किसानों को लेकर के सत्ता के साथ साथ अगर किसान कुछ कर रहे हैं तो उनकी भी पैरवी करते नजर आते हैं। विशाल वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसान आंदोलन चल रहा है तो किसानों का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बनी है उषा तोमर जी। उषा जी प्रदेश प्रभारी हैं भारतीय किसान यूनियन की, बहुत बहुत स्वागत है। उषा जी, सबसे पहले हम आपके ही पास चलते हैं। एक तरफ जय जवान है, एक तरफ जय किसान है, और इस परेड को आम आदमी, आप लोग तो अपने संघर्ष की लड़ाई की तरह देख रहे हैं, सरकार अपने 3 कानूनों को मनवाने के लिए देख रही है, लेकिन आम आदमी इस परेड को, इस राष्ट्रीय पर्व को, जहां एक तरफ किसान खड़ा है और एक तरफ जवान खड़ा है, कैसे देखेगा? जी जी संजय जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप शुरू से ही हमारे किसानों, किसान भाइयों की आवाज को बुलंद करते आए हैं, उनका साथ देते आए हैं, उनकी समस्याओं को दिखाते हुए आए हैं। जैसा कि आपने सवाल किया कि ये जो किसान कल की जो गणतंत्र परेड है, ये एक तरफ जवान और एक तरफ किसान है। जवान भी हमारे ही भाई बंधु, हमारे ही घर से गए हुए बच्चे हैं, और एक तरफ किसान है। जब जैसा कि आप सभी को पता है कि कृषि प्रधान देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो अगर एक किसान, जब हर साल जवान वहां पर परेड निकालते हैं, तो इस बार अगर किसान भी उनके साथ होगा तो इससे अद्भुत नजारा मैं नहीं समझती कि देश के लिए कोई होगा। ना आज तक 70 सालों में ऐसा हुआ है और ना आगे ऐसा होगा। तो ये तो हमारी जनता के लिए एक देखने का विषय है कि किसान जवान के साथ बिल्कुल बराबर में खड़ा है, और किसान परेड निकाल रहा है अपने देश के लिए, और वो भी गणतंत्र दिवस मना रहा है। किसान भी तो मनाएगा, मना रहा है अपना गणतंत्र दिवस। जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी परेड, जो आप तैयारी, जिस तरह की तैयारी है, लाखों ट्रैक्टर है तो कई लाख किसान होंगे, हम आपसे ये पूछेंगे कि गारंटी क्या है कि जिस तरह से हर वर्ष सुकून और शांति के साथ हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और संपन्न होता है, तो कौन गारंटी लेगा कि कल इतनी तादाद में आप सड़क पे जब होंगे तो कौन गारंटी लेगा कि कोई अनहोनी ना हो। हम इस प्रश्न पे आपके पास लौटेंगे। मथुरादास जोशी जी, मथुरादास जोशी जी, क्या यही अंतिम रास्ता बचा था? देखिए, दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का भी, मैं कहूंगा, और इस देश के जिस तरीके से किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 10-11 राउंड की बात होने के बावजूद भी सरकार किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची, और किसानों को ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा, आंदोलन के लिए तैयार होना
बड़ा, उन्होंने कहा कि हम गणतंत्र दिवस की परेड की तरह ही हम पैरेलल पूरे किसान एक अलग सी रैली निकालेंगे, अलग से प्रदर्शन करेंगे, और उसके लिए भी सरकार नहीं मना पाई, ये और भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज जो स्थिति है, 2 महीने से लेकर 2 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है, किसान आंदोलित हैं और सरकार ये नहीं तय कर पाई कि किसान क्यों आंदोलित है। इस देश का किसान, जो किसान अन्न पैदा कर रहा है, जो सारे देश के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, जो पूरे देश को आगे ले जाने के लिए 24 घंटे सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चल रहा है, जो सरकार कह रही वो बात मान रहा है, लेकिन आज सरकार उसमें विफल रही है, उनको मना नहीं पाई है, और उनसे बात भी कर रहे हैं लेकिन उनको मना नहीं पाई सरकार, और ये निश्चित रूप से सरकार का भी फेलियर है और इस देश में जो नहीं होना चाहिए। सर आप कह रहे हैं किसान मानने को तैयार नहीं है, सॉरी सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार मानने के साथ तो कई रास्ते निकाली है। सरकार का जो एक पक्ष है कि किसान मानने को तैयार नहीं है, आप क्या इसको ये नहीं कह सकते कि थोड़ा सा अगर सरकार झुकी, थोड़ा सा अगर किसान झुकते तो आज ये नौबत ना आती कि पूरे विश्व में कल एक इतिहास लिखा जाने जाना है और पूरा विश्व की निगाहें टकटकी लगाए हुए देख रही हैं कि हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है। देखिए मैं सरकार को जिम्मेदार इसलिए मान रहा हूं कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में चुनी हुई लोग, चुने हुए जनप्रतिनिधि सरकार चलाते हैं, सारा काम करने का, सारे देश की व्यवस्था को देखने की जिम्मेदारी उस पार्टी की रहती है जो रूलिंग पार्टी होती है, तो सरकार चलाती है। ये कोई आंदोलन एक दिन में नहीं हुआ है, किसानों ने तो 1 महीने पहले कह दिया था कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम गणतंत्र दिवस परेड की तरफ, एक तरफ जवान परेड निकालेंगे, दूसरी तरफ किसान भी परेड करेगा, अपने ट्रैक्टरों के साथ करेगा, किसानों के साथ करेगा, 1 महीने पहले कह दिया था, कोई नया एकदम नहीं हुआ है। इसलिए मैं सरकार को कह रहा हूँ कि सरकार की गैर जिम्मेदाराना ये सरकार की बात है। आप देखिए किसान क्यों आंदोलन कर रहा है, अगर सरकार सर जोशी जी सत्ता का संचालन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की सत्ता को देखा है, उत्तराखंड में आपने सरकार चलाया, पूरे देश में आपने सरकार चलाया और देखा भी है। क्या आपको लगता नहीं इस आंदोलन को अगर सरकार तुरंत मान ले तो इसी तरह के आंदोलन कल से रोज खड़े होने लगेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं ये भी कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में किसी को भी कोई भी काम करने की या अपने मनमर्जी के काम करने की छूट नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैं आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया ना, मैं आपको बहुत पीछे भी ले जाना चाहूंगा। आपने 1988 का आंदोलन भी देखा होगा, 87-88 में टिकैत जी, भवेंद्र सिंह टिकैत जी किसानों के नेता थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा आंदोलन हुआ, वीर बहादुर सिंह जैसा सख्त प्रशासक जिसने कर्मचारियों के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए थे वो भी मुख्यमंत्री थे, वंतोगत्वा उनको मुजफ्फरनगर जाना पड़ा टिकैत जी के गांव में, और तपती धूप में मई के महीने जाना पड़ा और किसानों की बात सुनी, उनका समाधान उनसे नहीं हो पाया तो देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव जी ने बुलाया सारे किसान प्रतिनिधियों को, क्योंकि किसानों का हम तो वोट कर बैठेंगे कहा, तो किसानों को बुलाया। तो सही बात आपने कहा, इसी का जवाब लेता हूँ विशाल जी से, उसका समाधान भी निकाला। आज अगर सरकार चाहती तो निश्चित रूप से समाधान निकल जाता, लेकिन अब सरकार क्या सोच रही है ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि किसानों की बात है, जो अनाज पैदा कर रहा है, जो देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है, जो सरकार का किसान और सरकार तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, उनको वैसे ही मान जाना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं मानी, अभी भी समय था, लेकिन आज जो हो रहा है वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्मा जी बहुत अच्छा इन्होंने प्रसंग छेड़ा है, 87 का दौर था, किसान आंदोलित थे, टिकैत जी सड़कों पे थे, लाखों की तादाद में किसान थे, मुख्यमंत्री गए नहीं, प्रधानमंत्री ने अगुवाई की, तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से जो ये अगुवाई करने वाले लोग हैं वह कमजोर पड़ गए? प्रधानमंत्री को खुद एफर्ट लेना चाहिए था, क्योंकि राजीव गांधी ने अगर लिया था तो मोदी जी को भी एक एफर्ट लेना चाहिए था,
हो सकता है किसान उनके मान सम्मान में, हो सकता है किसान उनके उस बुलावे को मान जाते और कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते। विशाल वर्मा जी देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, पहले अक्षर से इन दोनों की बातों का जवाब दे दूं प्रतिनिधियों की। एक तो जो एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे देश के अंदर कि ये वर्सेस पैरेलल गणतंत्र दिवस पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से भी पक्ष आया था, मैंने भी अपना पक्ष में कहा था कि आप ट्रैक्टर परेड निकालें, परंतु कानून व्यवस्था को देखते हुए, गणतंत्र दिवस को देखते हुए, आपको पता है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं इन दो दिवसों पर सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है देश के अंदर, कि हम कुछ ना कुछ है ऐसा कर दें जिससे देश की छवि को पट्टा लगे। हमने यही आग्रह किया था कि आप इस ट्रैक्टर रैली को अगले दिन बिटिंग रिटीन का प्रोग्राम होने का दिए, उसके बाद निकाल दीजिए। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ट्रैक्टर परेड से। किसान इस देश के सम्मानित नागरिक है और मैं समझता हूँ प्रथम नागरिक है, वह पूरे देश का भरण पोषण कर रहे हैं। इसमें जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड वर्सेस किसान परेड, मैं इससे सहमत नहीं हूं। दोनों इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, हमारे जवान भी हमारे किसान भी, हम इन दोनों में कोई अंतर लेकर नहीं चलते हैं। दूसरा विषय, एक विषय आया कि सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री जी को सब उतरना चाहिए था। आप ये देखें कि विभागीय मंत्री जो कृषि मंत्री हैं और जो किसान कल्याण के भी अध्यक्ष हैं तोमर जी, और केंद्रीय मंत्रिमंडल का सबसे कद्दावर पीयूष गोयल मंत्री को उतारा गया है इसमें किसानों से वार्ता के लिए। आप ये मत समझिए कि कुछ नहीं है, जब इतनी टीम लगाई, 11 दौर की वार्ताएं किसानों के साथ की, किसानों ने सिर्फ एक ही मांग पे अड़े रहे कि इन तीनों कानूनों को निरस्त कर दें। सरकार ने ये संदेश देने का प्रयास किया कि अगर आपको व्यक्ति बीमार लगता है तो आप उसकी बीमारी को दूर कीजिए, बीमारी दूर करने का प्रयास कीजिए, कहां जो जो दिक्कतें हैं उनको हम संशोधन करके अलग कर देते हैं। परंतु किसान ने कहा कि नहीं, हमें इस व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। अब मथुरा दास जी इतने पुराने राजनीति में है और इस उत्तराखंड के सम्मानित राज्य बुद्धिजीवियों में से है, आप ही बताइए कि अगर आपकी नजर में कोई व्यक्ति बीमार है, क्या आप उसको मृत्युदंड देंगे या उसका इलाज करवाएंगे? ऊपर वाले ये वो सेकंड फ्लोर पर हमने आपसे प्रश्न किया है। जी का एक प्रश्न आपसे है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसके मौत का इंतजार करेंगे कि उसके इलाज को लेकर के जाएंगे? देखिए, सवाल इस बात का है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हमने उसकी बीमारी भी पकड़नी पड़ेगी कि क्या बीमारी है, और अकॉर्डिंग बीमारी जो जैसी बीमारी होगी वैसा इलाज भी किया जाएगा। होता यही है लोकतंत्र में। आपने कहा कि बड़े गद्दावर नेता, बिल्कुल लगाए हैं, हमने कहा मना किया नहीं लगे हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं बहुत। लेकिन तीन तीन मंत्री लगने के बाद भी किसानों के आंदोलन को समाप्त नहीं कर पाए, और किसान केवल एक मांग कर रहा था जो मैं आज तक समझा हूं, मैं बार बार उसके नजदीक हूं। हम लोगों ने मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी डिबेट में आप ही के साथ बैठ रहे हैं और अन्य चैनलों में भी डिबेट्स में बैठे हैं हम लोग, किसानों ने कहा कि आप हमको एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। सरकार को इसमें मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एमएसपी जब आप 28 फसलों का एमएसपी आप डिक्लेयर करते हैं, आज तक भी 28 फसलों के एमएसपी डिक्लेयर होती थी, सरकार करती थी। आज आप अपने उत्तराखंड की बार लगा लीजिए, अभी लगा लीजिए, मैं कोई ऑफ द रिकॉर्ड उसमें नहीं कह रहा हूँ। सर, सरकार के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को भी अगर इन्वॉल्व किया गया और सब होल्ड करने को तैयार है तो एक बार हमारी समस्या हम लौटेंगे आपके पास। उषा तोमर जी, हमने आपको एक प्रश्न पे छोड़ा, लौटूंगा सर, मैं लौटता हूँ सर। उषा तोमर जी, मैं एक प्रश्न के साथ आपको छोड़ा था हमने कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग कल सड़कों पे होंगे, आप परेड करेंगे, उसकी कितनी परसेंट सफलता की गारंटी आप लेते हैं, और कितना दुविधा का विषय है कि वहां पे कोई असामाजिक तत्व तो नहीं घुसेगा? देखिए संजय जी, जैसा कि सब लोगों का ये मानना हो रहा है कि उसमें असामाजिक तत्व, किसान 61 दिन से बॉर्डर पर बैठा है, क्या आप बता सकते हैं कि 61 दिन से कौन सी सरकार ने गारंटी ली है? किसान अपने आप जो कुछ कर रहा है वहां, सब बंदोबस्त अपने आप कर रहा है, ना वहां कोई किसी राजनीतिक नेता को मंच दिया जा रहा है, ना वहां कोई गलत आदमी वहां पर जा रहा है,
तो जो सारी व्यवस्था नहीं वो सारी मूसा जी कम से कम 12-13 दिन 12-13 दिन गलत लोग पकड़े गए हैं वहां पे। तो इसीलिए कल से इसीलिए वहां पर कल से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और सब सारी सर्चिंग करी गई है वहां पर। और उसके बाद एक चीज डिक्लेयर कर दी गई है कि जो भी यहां पर आएगा वो अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ आए। देखिए संजय जी जो ये रैली हो रही है, रैली नहीं कहूंगी मैं इसको, परेड कहूंगी, जो ये परेड हो रही है ये आप ये ना समझे कि किसान वहां प्रदर्शन करने जा रहा है या किसान प्रदर्शन करने नहीं जा रहा है। आप अगर ये इस लोग इस बात की गलत फहमी में हैं कि किसान वहां शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है कि नहीं नहीं, ये सिर्फ एक गणतंत्र दिवस जो हमारा इतना बड़ा पर्व है उसको मनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और उस पर्व को मना रहा है। और इसका इसका सारा जिम्मा किसानों का भी होगा और प्रशासन का भी होगा। ऐसा नहीं कि प्रशासन आप बताइए इतनी बड़ी परेड होती है या रैलियां होती है इतनी बड़ी बड़ी, क्या उसका जिम्मा शासन प्रशासन नहीं उठाता है? तो अगर इसका भी तो शासन प्रशासन उठाएगा अगर गड़बड़ी तो शासन प्रशासन ये तो सीधे सीधे दबाव दबाव की परेड लग रही है, प्रेशर परेड लग रही है कि आप प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि कानून को वापस लो, नहीं तो आज से हम ये चीज शुरुआत कर रहे हैं। नहीं नहीं संजय जी देखिए बात समाप्त हो चुकी है, अभी बीच में रोक दी गई है बात 26 जनवरी की परेड का शक्ति प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ किसानों की परेड है जो कि किसान 70 सालों से चाहता था कि वो भी जवानों की तरह परेड करे, अपने गणतंत्र दिवस को मनाए। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन किसानों को एक प्रमाण पत्र मिलेगा। अगर आप एक बात बताइए, अगर हम ये परेड ना करते तो जैसे पहले कहा गया किसानों को ये तो खालिस्तानी है, तो पाकिस्तानी है, फलानी जगह से आए हुए हैं, डिकड़ी जगह से आए हुए, तो फिर भी तो ये आरोप किसानों पर लगते उन्होंने तो अपना आप तो अन्नदाता है। अगर मान लीजिए किसी ने दो शब्द कह दिया तो उसको बांध के गांड बांध के तो नहीं चला जा सकता ना कि खालिस्तानी किसी ने कह दिया, एक शब्द एक बार कहा गया है, दोबारा कोई सरकार का नुमाइंदा इतनी हिम्मत हिमायत नहीं कर पाया कि वह दोबारा बोला हो कि खालिस्तानी है। जी जी तो ये इसी बात का तो ये है कि किसान भी अपनी परेड कर लेगा। किसान अगर जवान परेड कर रहे हैं तो किसान परेड कर लेगा, तो उसमें तो देश को गर्व होना चाहिए। और जब अन्नदाता है, एक अन्नदाता अगर सड़क पर परेड कर लेगा, जो ट्रैक्टर उसके खेत में चलते हैं, अगर वो दिल्ली की सड़कों पर भी चल जाएंगे तो इससे तो देश को गर्व महसूस होना चाहिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। व्यवस्था की जिम्मेदारी देखो किसानों की भी है और प्रशासन की भी है, दोनों की जिम्मेदारी। पूसा जी कल मानते हैं हम आपका प्रेशर परेड सफल हो जाता है, आपकी माने मान ली जाती है, तो क्या आपको लगता नहीं परसों इंजीनियर सड़क पे उतरेंगे, नर्सों डॉक्टर सड़क पे उतरेंगे, आने वाले समय में बिजनेसमैन सड़क पे उतरेंगे कि हमारी कहना नहीं माना गया इसलिए हम परेड खत्म, परेड के सामने परेड लेके आ रहे हैं? नहीं नहीं संजय जी, इस परेड का बिलों से कोई संबंध नहीं है कि इस परेड के बाद ही इन बिलों को वापस लिया जाए। बिल जो लिए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ वार्ता से वापस लिए जाएंगे। जब सरकार किसानों से वार्ता करेगी उसी पर उनका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। ऐसा नहीं मैं मान लिया कि यह बिल वार्ता से वापस लिए जाएंगे, ठीक है। विशाल जी दो प्रश्न, सीधा सीधा कहना है प्रभारी मैम का उषा जी का कि वार्ता से लिए जाएंगे, आपने वार्ता बंद कर दी, एक। दूसरा, आपको लगता नहीं कि ये प्रेशर परेड है? नहीं, मैं इसको, मेरे किसान भाई इतने बुद्धिमान हैं कि वह विपक्षी चाल में एक संजय जी आप मेरा बात को पूरा होने दीजिए, विपक्षी चाल में नहीं फंसेंगे। उषा बहन के ही जो प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश सिंह जी, उन्होंने भी स्वयं कह दिया कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए सारे दल बराबर है। मान गए हम आपकी बात। एक चीज बताइए कि एक आईना को कांग्रेस को दिखाया है कि कल की परेड कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, जो कांग्रेस बार बार इसको कह रही है कि गणतंत्र दिवस की परेड के पैरेलल है। किसी भी चीज को पैरेलल बनाने का मतलब है कि वो वर्सेस वाले, पहला कुछ नहीं हो रहा है। एक सम्मान की बात है कि जवान भी परेड करेंगे दिन में, किसान भाई कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। एक चीज एमएसपी में आप अपने आप को संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं? नहीं, संतुष्टि की बात नहीं सर, ये कहां से पैदा
एक तरफ देखिए पूरा देश देख रहा है, सबकी निगाहें हैं। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता साहब से बात कर रहा हूं, ये मुद्दा बनाया जा रहा है सर। मैंने आगे के चैनल पे कहा था कि आपत्ति सिर्फ अराजक तत्वों की वजह से है। 26 जनवरी का दिवस महत्वपूर्ण होता है, 15 अगस्त का दिवस महत्वपूर्ण होता है। अगर किसान भाई परेड करना चाहे तो अगले दिवस कर ले। मैंने कहा था, मैंने आगे के चैनल पे कहा था कि अगले दिवस कर सकते हैं। मेरी पूर्णतः सहमति है, अगर उस परेड में अगर कोई मेरी आवश्यकता पड़ती तो मैं भी स्वयं करूंगा। मैंने यहां तक कहा था, सिर्फ 26 जनवरी का दिवस के लिए कहा था कि यहां जरा थोड़ा शांत हो जाए। मैं तो परेड से कोई आपत्ति नहीं थी। दूसरी जगह पर मथुरा तो जोशी ने कहा कि एमएसपी की बात, किसानों का मुद्दा एमएसपी रहा ही नहीं शुरू से लेकर आखिर तक 11 की 11 वार्ताओं में। सरकार ने लिखित आश्वासन की बात की, उसके बाद उन्हें कहा गया कि चलो ठीक है एमएसपी के कानून गारंटी के लिए हमें कमेटी बना ले। किसान भाइयों ने उसको सिरे से नकारा है, उन्होंने कहा जब तक ये तीनों कानून वापिस नहीं होंगे हम किसी और दूसरे मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे। शायद कांग्रेस को पूरी ब्रीफ नहीं है इस बात की। तीसरा विषय यह है कि आप देखिए बहन जी, कि किसी भी राजनीतिक दल का अगर कोई कार्यक्रम होता है सामाजिक तौर पर, तो वह राजनीतिक दल पूरी गारंटी लेता है कि इस कार्यक्रम में कुछ भी अगर गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होगी। और अगर किसी कार्यक्रम में कुछ लोग सम्मिलित होते हैं तो उनकी लिस्ट होती है बाकायदा महत्वपूर्ण लोगों की। आपके पास आपने ट्रैक्टरों की लिस्ट तैयार की है, प्रशासन को दी है, कल परेड करने जा रहे हैं आप। उनका किसान राकेश सिंह जी का आज ही कहना है कि जो भाई किसान में अपनी आईडी लेके आएगा, ट्रैक्टर लेके आएगा, ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन लेके आएगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएगा, संगठन का झंडा और राष्ट्रीय ध्वज लेके आएगा, वह ट्रैक्टर रैली में सम्मिलित होगा। उसको हम कैसे श्योर करेंगे कि वह व्यक्ति अराजक नहीं है? है इस देश का नागरिक ही, पर वह अगर अराजक नहीं है इसको कैसे श्योर करेंगे बहन जी? आप मुझे यह स्पष्ट कर दीजिए। ठीक, हम लोग उषा जी, बड़ा अच्छा इसका प्रश्न है आपके लिए भी, मथुरा जी के लिए। मथुरा जी, विशाल जी का सीधे सीधे कहना है कि जब किसान भी इसको प्रेशर परेड नहीं मान रहे हैं तो कांग्रेस क्यों उसको दबाव की राजनीति बना के चल रही है और दबाव में लेना चाहती है इस किसानों के बहाने सरकार को? विशाल जी तो बेबुनियाद बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का क्या रोल हो सकता है इसमें, बताइए। कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस कांग्रेस पार्टी ने कभी न किसानों को उकसाया, न किसानों की बात करना लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म है। विपक्षी नेता उनके समर्थन में सरकार को यही तो कह रहे हैं कि आप इनकी बात मानिए ताकि देश में जो 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 व्यवस्था में इस तरह की बातें हो रही है उसमें कुछ लगाम लगे। अगर सरकार अपनी हठधर्मिता में रहे, सरकार सुनना ही नहीं चाहे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, संजय जी आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, आप समझते भी बात को। मैंने जैसे 87 की बात की तो वीरबहादुर जी स्वयं वहां गए थे। क्या इनका एक भी मुख्यमंत्री, जितने राज्यों में इनकी सरकारें हैं, पता जी कौन सा मुख्यमंत्री गया किसानों से कि यार आप दिल्ली कूच मत करो, आप रहन दो, हम यही आपका समाधान निकालेंगे और भारत सरकार से ही बात करेंगे और हम भी आपकी बातों का समाधान निकालेंगे। बता दीजिए उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश हरियाणा इनका किस मुख्यमंत्री ने उनसे बात की? ये स्वयं बात कर रहे हैं लेकिन समाधान नहीं निकाल रहे। रोज बैठते हैं, रोज बैठे केंद्र का कृषि मंत्री बैठे और वो समाधान नहीं निकाल पा रहा है, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि सरकार कितनी गंभीर है। और आज 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 स्वीकार करने के लिए तैयार है, वो कह रहे हैं किसानों से आपकी जितनी आपत्ति है हम सारी स्वीकार करेंगे। नहीं, कर भी आप बताइए ना, आप कर तो नहीं रहे ना, लेकिन आप किसान सहमति नहीं दे रहे किसानों की, जो एक ही मांग है कि कानूनों को रद्द किया जाए। अच्छा मथुरा से जोशी जी, किसान तैयार नहीं है, सरकार से मदद करना चाहती है। विशाल जी, मथुरा से जोशी जी, जितनी हमारी उम्र है उतनी आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उतना राजनीतिक इतिहास, आप जरा बताइए कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि जिसका नोटिफिकेशन राष्ट्रपति के यहां से हो गया हो वह कानून वापस हुआ है संसद में होने के बाद? देखिए मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूं कि अगर सरकार अध्यादेश के जरिए कानून लागू कर सकती है तो सरकार अध्यादेश के जरिए कानून वापस ले सकती है। ये संवैधानिक व्यवस्था, हम उस संवैधानिक नहीं, हम सर वापस लेके नहीं, हम उस पे जा ही नहीं रहे, ले सकती है या नहीं ले सकती है। मेरा ये मानना है
70 वर्षों तक आप भी सत्ता में रहे हैं, कभी ऐसा समय आपको देखने को मिला है? नहीं नहीं देखिए, नहीं नहीं देखिए, दो बातें हैं ना यहाँ पर, दो बातें मैंने कहा ना, सरकार अगर अध्यादेश के जरिए कानून लागू कर रही है, अगर इन्होंने किसानों ने कहा ना अब एमएसपी की गारंटी देते तो एमएसपी के लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला रही सरकार? ला सकती है ना सरकार, सरकार ला सकती है, और अगर सरकार कानून वापस लेना चाहे तो सरकार कानून वापस भी ले सकती है, लेकिन लेकिन अभी तक हुआ नहीं ऐसा, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक जितनी भी बातें थी लोकतंत्र में वार्ता के जरिए समाधान निकलता है, ये सरकार की मैं इसलिए नाकामी कह रहा हूँ कि सरकार क्यों नहीं वार्ता कर रही है, ऐसा ऐसा तो छोड़ना पड़ता है तब जाकर सहमति बनती है, अगर एक पक्ष अड़ जाए तो क्या वो वार्ता सफल हो जाएगी? वर्मा जी मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले मुझे सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको भी सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बीच में रोकोगे तो क्या फायदा, ना आपको फायदा होगा ना मुझे फायदा होगा, अब सुन लो, मैं आपको सुन रहा हूँ ना, अच्छी तरह सुन रहा हूँ, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम लोग कोई निर्णय लेने की स्थिति में ना आप है ना मैं हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, आप अपनी बात कह सकते हो, ये हम सरकार सब इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने कहा ना आप बताइए उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नोएडा में किसान धरने में बैठा हुआ है दिल्ली बॉर्डर, अभी जाके उनसे बात की, क्या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने बात की, क्या आपके अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ने किसी ने बात करके ये समाधान निकलता, किसान दिल्ली जाने के लिए मजबूर क्यों हुआ? सोचना ये है पार्टियों को, ये नहीं कि किसने भड़का दिया, कहाँ से आ गया किसान, ये सवाल नहीं पैदा हुआ, ये कि हम अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आज केवल केंद्र सरकार पर किसान निर्भर हो गया, अगर राज्य सरकारें उनको समझाती कि ये कानून ये है और इसका ये फायदा होगा ये नुकसान होगा और आपके लिए हम ये करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम इसे लागू नहीं होने देंगे, क्या तो लागू नहीं? लेकिन 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 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दौरा रद्द किया साहब। हाँ नहीं नहीं आप चले जाते किसानों के पास, किसान कोई मारपीट तो नहीं कर रहा था ना, अगर वो खुद ही कह देते चलिए मैं भी आपके साथ धरने में बैठता हूँ तो ये कितनी सकारात्मक पहल होती, आप ही बताइए होती कि नहीं होती, किसानों का भी विश्वास। सर लौटता हूँ, उषा जी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न विशाल जी ने किया है कि आपने ये नहीं कहा है कि लाखों में रहेंगे, लाखों दिख रहे हैं, ये भी बात सही है कि लाखों की तादाद में वहां ट्रैक्टर दिखने लगे हैं, हिंदुस्तान का झंडा फहराते हुए भी दिखे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है ना, कोई डेटा है आपके पास, कोई रजिस्ट्रेशन आपके ने किया इन लोगों का, कुछ तैयार किया लिस्ट कि कौन कहां से आ रहा है, कितने लोग हैं, एक ट्रैक्टर आ गया तो 10 ट्रैक्टर किस गांव से आए हैं, कुछ है आपके पास रिकॉर्ड? कल मान लीजिए 1% उषा जी, कल मान लीजिए जैसे कहना नहीं चाहिए 2013 में केदारनाथ में आपदा आई, हम लोग परेशान रह गए यही डाटा इकट्ठा करने में कि कौन आया कौन गया कौन लापता हुआ, आज तक नहीं कर पाए, तो कुछ ऐसा आप लोगों ने डेटा बैंक तैयार किया है? सरकार तय करेगी, इसका जो डाटा है वो सारा सरकार कलेक्ट करेगी, अगर सरकार इस बात को कह रही है, नहीं एक बात सुनिए, जब सरकार इस बात को कह रही है कि मुट्ठी भर किसान है, यहाँ तो बाकी तो सब विरोध में तो मुट्ठी भर किसान है, बाकी तो पक्ष में है, जब जब सरकार पक्ष वाले किसानों का डाटा तैयार कर सकती है तो जो विरोध में है, जो आज वहां परेड निकालने के लिए जा रहे हैं, तो उनका भी तो डाटा सरकार के पास होना चाहिए। दूसरी बात, मैं विशाल जी ने एक क्वेश्चन करा था कि एमएसपी का तो कोई मुद्दा है ही नहीं, शुरू से ही कोई मुद्दा नहीं रहा बातचीत में भी है, लेकिन नहीं आपने आपने अभी आप अपनी क्लिपिंग जरूर देखिएगा विशाल जी, आपने कहा एमएसपी का कोई मुद्दा नहीं रहा। सबसे पहले देखिए विशाल जी आप बोले मैं कुछ नहीं बोली, अब मेरी बात पूरी होने दीजिए, सबसे पहले किसानों की सिर्फ दो ही मांग थी कि बिलों को वापस लेना और एमएसपी पे कानून बनाना, सिर्फ दो ही मांग थी, जो बाकी मांग पराली की और ये तो पीछे से जुड़ी है और मांगों में जुड़ी है, लेकिन मेन मुद्दा जो था वो बिलों को वापस लेना और एमएसपी का था। ये जवाब तो रहा विशाल जी का, विशाल जी ने कहा कि इतने लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, वहां कोई अराजक तत्व तो नहीं होंगे, ये तो नहीं, हमारी इंटेलिजेंस कहाँ है,
LIU कहाँ है, हमारा लोकल इंटेलिजेंस कहाँ है, हमारी सरकार की बाकी इंटेलिजेंस कहाँ है, क्या वो नहीं इस चीज का ध्यान रखेगी कि वहाँ क्या राजक हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है? इस चीज का सरकार की जो इंटेलिजेंस है वो ध्यान रखेगी, किसान ध्यान नहीं रखेगा? किसान तो आंदोलन कर रहा है, किसान तो बात कर रहा है वहां पर, और 60 दिन से किसान वहां पड़ा है और किसानों ने वहां बिल्कुल व्यवस्था बना के रखी है, कोई किसी तरह का ऐसी वहां पर कोई अव्यवस्था नहीं हुई है जिससे कि आने जाने वालों को परेशानी हो या वहां सरकार को परेशानी हो, वहां शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चलेगा। और जो कल हमारी जो परेड होगी उसमें कोई अराजक नहीं है, कौन अराजक है कौन नहीं, इसका काम करेगी वहां की शासन प्रशासन, उनको उनकी जिम्मेदारी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाना, कानून व्यवस्था बनाना शासन प्रशासन का काम है। आप एक हिंदुस्तानी है, आप अन्नदाता है और आप जमीन का सीना चीर करके अनाज निकालते हैं तो हम लोग खाते हैं, लेकिन जो कल सुबह होगा, जो ये परेड निकलेगी, उसे किस अध्याय में, उसे काला अध्याय देखेंगी, सुनहरा अध्याय देखेंगी? मेरी बात सुन लीजिए पूरा। आने वाले समय में ये जो पॉलिटिशियंस है, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, सपा, बसपा, कल हुआ इस कार्यक्रम को कौन सा रूप देंगे? आपको लगता है कि वह हमको आपको संतोषजनक होगा? संजय जी, कल का जो अध्याय होगा वो एक सुनहरा अध्याय होगा, एक सुनहरा। आप कह रही हैं ना मैम, देखिए आप परेड करने जा रही हैं, आप आंदोलनकारी हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपका मुद्दा सही है। मैं खुले शब्दों में चैनल पे कह रहा हूं कि जो बात आप कर रहे हैं वो सही है, मैं भी समर्थक हूं उसका, मैं भी आपके साथ आंदोलन में हूं, मुझे भी कल लोगों ने कहा है, हो सकता है मैं भी सुबह यहां से निकलूंगा। लेकिन आपको ये लगता है ये जो पॉलिटिशियंस हैं सारे लोग, क्या उसे सुनहरा अध्याय ही देंगे कल के बाद? कोई ये नहीं कहेगा कि भारतवर्ष के इतिहास में काला अध्याय लिखा गया? काला अध्याय किस बात का? आप ही बताइए, जवान और किसान अगर एक साथ परेड कर रहा है तो उसकी काला अध्याय मनाने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो भारत के लिए गौरवशाली बात होनी चाहिए कि हाँ, किसानों ने भी जवानों के साथ परेड निकाली, इसमें काला अध्याय बनाने की क्या बात रह गई? चलिए मथुरा जोशी जी के पास चलते हैं। सर मथुरा जोशी जी, कल सुबह सुबह हम टीवी स्क्रीन पे कौन सी परेड उत्सुकता के साथ देखें, जवानों की परेड या किसानों की परेड? देखिए, आज सरकार ने ऐसी स्थिति बना दी है कि दोनों परेडों को, दोनों, चाहे जवान परेड करे चाहे किसान परेड करे, पूरा देश उसको उत्सुकता से देखना चाहता है कि क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि तिरंगा लेके किसान कहता है हम भी चलेंगे, हर ट्रैक्टर में हमारा तिरंगा होगा, हाथ में तिरंगा होगा। अगर सीमा पे जवान देश की रक्षा कर रहा है तो खेत खलियान की रक्षा करने का काम, उत्पादन करने का काम, देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किसान भी काम करता है। और आज जो स्थिति बनी है, मैं फिर उसकी बात है, सरकारों को इतना निरंतर नहीं होना चाहिए, सरकारों को इतनी अधर्मिता कभी नहीं करनी। विशाल जी, मथुरादास जोशी से लगता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। एक प्रश्न उन्होंने कहा है हठधर्मिता और सरकार की, तो क्या लगता नहीं कि जो कल एक अध्याय लिखा जाएगा, चाहे वो सुनहरा हो, आप तो हकीकत है कि आप लोग उसको परसों से कहना शुरू कर देंगे कि काला अध्याय है, और किसान कहेंगे सुनहरा अध्याय है, आपको लगता है कि जो सरकार है उसकी हकीकत में हठधर्मिता है? सरकार चाहती इसको रोक सकती थी? मैंने देखिए, शुरुआत में जब ये आंदोलन हुआ था तब वापसी के कार्यक्रम पे मैंने ये कहा था कि दोनों ही पक्ष अड़ रहे हैं। मैंने अड़े शब्द का इस्तेमाल किया था कि दोनों ही पक्ष अड़ रहे हैं, हमारे किसान भाई भी अड़ रहे हैं, केंद्र सरकार भी अड़ रही है। मैंने कहा था कि दोनों ही पक्षों को नरम रुख अपनाना चाहिए। छठी वार्ता के बाद
संशोधनों के ऊपर केंद्र सरकार ने बातचीत प्रारंभ की, ये आप भी जानते हैं, परंतु किसानों का शुरुआत से ये कहना था कि हम संशोधनों पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें संशोधन नहीं चाहिए, आप तो सिर्फ इस कानूनों को निरस्त करें, सिर्फ ये मांग थी। और मेरी बहन ने कहा कि मैंने कहा कि एमएसपी को मुद्दा नहीं था, मैंने मुद्दा नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि जब किसान भाइयों को कहा गया कि आप एमएसपी पर चर्चा कर लें, उन्होंने कहा नहीं एमएसपी पर चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आप ये तीनों कानूनों को पहले हटाएं, उसके बाद एमएसपी पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कई कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी किसानों को दिया, जिसको किसानों ने स्वीकार नहीं किया। बताइए मुझे एमएसपी में भी केंद्र सरकार चर्चा करना चाहती है, उसके भी समाधान चाहती है, एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, उसको भी अस्वीकार कर दिया। अब मेरी बात को ये बताइए, क्या ये आंदोलन राजनीतिक नहीं हो जा रहा है कि सिर्फ केंद्र सरकार की छवि को बट्टा लगाना है कि आपने एक कानून को लोकसभा राज्यसभा पास करवाया, कल को विपक्ष चिल्ला के कह देखो आपको कानून वापस लेना पड़ा, क्या वह स्थिति ले जा रहे हैं? यस, देखिए नहीं देखिए आप इसे यही इसी चीज को तो आपने नाक का प्रश्न बना लिया। हम मूसा जी के पास लौटेंगे, अंतिम प्रश्न लेंगे। मथुरा जोशी जी, कहीं हकीकत में इसीलिए इन्होंने नाक का प्रश्न बना लिया है? और आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि कल की परेड के बाद क्या होने जा रहा है? जवाब दीजिएगा, फिर हम अंतिम अपनी बहन से जवाब लेंगे। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, जहाँ तक आप मेरे किसानों की बात पर सरकार ने गौर करना चाहिए था, सरकार ने बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए था। ये किसी नाक का सवाल नहीं है, ये अगर किसान की कोई दिक्कत हो रही है सरकार उसको अपने नाक का सवाल बता दे। देखो हमने दबाव बनाया, विपक्ष कहेगी हमने दबाव बनाया, सरकार ने वापस ले लिया, तीन नाकी के तो प्रश्न बना सर। देखिए इसमें कहीं विपक्ष तो कहीं दूर दूर तक है ही नहीं, देखिए ना, सारे जो है किसान आंदोलन कर रहा है, किसानों के प्रतिनिधि आंदोलन कर रहे हैं, किसान की यूनियन जो है वो आंदोलन कर रही है, विपक्षी एक भी नेता किसान के मंच पर सुरजेवाला हरियाणा के वरिष्ठतम किसान नेता भी हैं, ये मत भूलिएगा। देखिए बाद देखिए आपके लोग क्या बोलते हैं, अगर हम इस पर जाएंगे ये लंबी डिबेट चली जाएगी, लंबी बहस हो जाएगी। सवाल इस बात का है कि सरकार अगर किसानों की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, मैं ये कहूंगा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। अगर अडानी, ठीक है सर, सही बात, अगर अडानी अंबानी भी आ रहा है, अगर उसके लिए भी अगर खेत तैयार किया जा रहा है, जब किसान अपना खेत उसको देगा तब वो हल चला पाएगा, नहीं तो उसकी भी कोई वो नहीं है, बकत नहीं होगी, वो भी नहीं चला पाएगा। आज केंद्र अब अंतिम प्रश्न समय की बाध्यता होती है, उषा जी के पास चलते। उषा जी, तीन जगह से ये रैली निकलनी है, तीन जगह से परेड होनी है, तीन जगह किसान इकट्ठे हो रहे हैं, अब किसान लगातार आ रहे हैं, जैसा हम लोग को इनपुट मिल रहा है कि हकीकत में लाख के ऊपर ट्रैक्टर्स आ चुके हैं, आप लोग भी सबके टच में होंगे, आपको क्या लगता है कि कल के बाद परसों क्या होगा, परसों क्या सरकार मान जाएगी और आपको आपके साथ बैठ करके तीनों कानून वापस ले लेगी? आप कल देखिए, सबसे पहले तो आप किसानों की परेड 70 साल में नहीं देखी, पूरा देश उस परेड को देखना, अच्छे से देखना, जैसे आप और हम सब जवानों की परेड देखते हैं, ऐसे ही हम किसानों की परेड। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है कि हम कल शक्ति दिखा के और परसों सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे, ये इन दोनों चीजों को तो आप मिलाइए ही मत, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ अपना राष्ट्रीय पर्व मनाने का एक तरीका है, हमारा किसानों का एक तरीका है कि ये इस तरह से, हाँ भाई हमारे पास ट्रैक्टर है तो हम ट्रैक्टर लेके ही तो जाएंगे वहां पे, जिनके पास टैंक है वो टैंक लेके चले जाते हैं वहां पे अपने, जिनके पास जो चीज है वही तो अपना यूज करेगा उसमें, तो हमने अपने ट्रैक्टर मंगवा लिए, हम अपने ट्रैक्टर। और रही बात सलूशन निकालने की, तो अगर सरकार चाहेगी, हमने अपना जो हमारी परेशानी है वो हमने सरकार के सामने रख दी है,
अब सरकार चाहेगी तो उसका समाधान एक दिन में कर दे, सरकार चाहे तो 2 साल लगा ले, सरकार चाहे तो 4 साल, चाहे जितना लंबा टाइम। धन्यवाद धन्यवाद उषा जी, धन्यवाद आपको, आपको शुभकामनाएं। आप और उम्मीद प्रभु से ये उम्मीद कि कल शाम को हम फिर बैठेंगे और इसी पे डिबेट होगी और हम हंसते हुए बैठे कि आपका परेड सकुशल सुंदर रहा जैसा जवानों का परेड होता है। धन्यवाद मथुरा जोशी जी, धन्यवाद विशाल जी, धन्यवाद उषा जी। एक तरफ किसान और एक तरफ जवान, और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों की परेड दमदार हो, ताकतवर हो, और हम पूरा देश देखे, पूरे देश के साथ पूरा विश्व भी देखे कि जो लोग अटकले लगा रहे हैं फालतू चीज दिमाग में लेकर के, वह कुछ ऐसी चीजें कल न घटित हो जिससे हम सीना चौड़ा करके कह सकें कि हम हिंदुस्तानी अगर एक तरफ जवान परेड कर रहा था और एक तरफ किसान परेड कर रहा था तो उसी शान से किया, और विदेशी ताकतें या कुछ असामाजिक तत्व कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जय हिंद। आज के इस डिबेट को हम यहाँ इसलिए समाप्त करते हैं कि कल खुशहाल स्थिति में कल भी हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान। ये है जेएमडी न्यूज़ एंड नेटवर्क और आप देख रहे हैं आईटीवी हिंदुस्तान।